नमस्कार दोस्तों, एक और न्यूज़ है, इसके बारे में बताना आपको चाहूँगा कि कुछ जगह ये हुआ है कि कुछ अधिकारी निरीक्षण करने गए हैं, और जैसा कि आप लोग जानते हैं DCF भरा जाता है तो उसमें काफ़ी डिटेल्स भरी जाती है। तो ये समस्या आ गई है कि अधिकारी गए और यहाँ पे टीचरों को अनुपस्थित दिखा दिया पोर्टल पे, जबकि टीचर उपस्थित थे। इससे संबंधित ये न्यूज़ है, देखते हैं इसमें क्या है। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है, हेडिंग क्या है, शिक्षक विद्यालय में हाजिर पोर्टल पर गैर हाजिर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। जिन प्रसिद्ध विद्यालय में बूथ बनाया गया वहां सेक्टर मजिस्ट्रेट का सत्यापन किए जाने तक प्रातः 9 से 5 बजे तक अध्यापक विद्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य किया गया है। पता नहीं कहाँ की ये न्यूज़ है, शायद फिरोजाबाद की होगी। ठीक है, इसी क्रम में वो प्राथमिक विद्यालय रामपुर, जमालपुर, खैरहना, ककरिया, वहाँ के जितने भी स्कूल हैं उनका नाम है, निरीक्षण के दौरान शिक्षक मौजूद रहे, इसकी आख्या बीओ माधव राज त्रिवेदी ने पोर्टल फीड की। विद्यालय में कार्यरत अनुपस्थित समस्त निरीक्षण के स्टाफ का निरीक्षण के दिन वेतन कटौती और 1 सप्ताह में समस्त साक्ष्यों का स्पष्टीकरण मांगने के रिपोर्ट अपलोड की है। ठीक है, आगे चलते हैं। निरीक्षण रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज होते ही सभी हड़कंप मच गया। एक बार मैं फिर से दोस्तों आपको पढ़ाता हूँ तो समझ में आएगा। इसी क्रम में बीओ गुरुवार को प्राथमिक विद्यालय रामपुर, जमालपुर, खैराना, ये जितने भी नाम हैं, निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान शिक्षक मौजूद रहे, ठीक है, जिसकी आख्या बीओ ने माधव राज त्रिपाठी ने प्रेरणा पोर्टल फीड की। विद्यालय में कार्यरत अनुपस्थित समस्त संरचना के स्टाफ का निरीक्षण के दिन वेतन कटौती व 1 सप्ताह में समस्त साक्ष्यों के साथ स्पष्टीकरण मांग की रिपोर्ट अपलोड की। निरीक्षण रिपोर्ट पोर्टल दर्ज होते ही सभी शिक्षकों में हड़कंप मच गया। BRC रफीक अहमद ने बताया है कि प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से विद्यालयों का निरीक्षण रिपोर्ट भेजी गई थी, फीडिंग में कुछ गड़बड़ी हुई है जिसमें सुधार किया जा रहा है। उधर माध्यमिक शिक्षक संघ बहादुरपुर के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार यादव ने कहा है, निरीक्षण के दौरान सभी शिक्षक उपस्थित थे, प्रेरणा पोर्टल पर गलत रिपोर्टिंग हुई है, शिक्षकों का वेतन काटने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ सिचुएशन क्या है, मेरी समझ से तो परे है बात कि अगर टीचर उपस्थित है तो पोर्टल पर कैसे अनुपस्थित हो गया, ये काफ़ी अजीब बात है। कैसे फीड हुआ होगा या क्या किया गया होगा इसके बारे में तो मुझे कुछ खबर नहीं है, लेकिन पूर्णा पोर्टल पे अगर अभी तो क्या है, अभी अच्छे तरीके से लागू नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर अच्छे तरीके से लागू हो जाएगा, मतलब हर जगह के लागू होगा, तो फिर ऐसी सिचुएशन में देखते हैं आगे क्या संभावनाएँ बनती हैं, क्या किया जा सकता है, मैं क्या देखूँगा। मतलब जब पूरी तरह से प्रेरणा सिस्टम लागू हो जाएगा तो टीचरों को सब कुछ प्रेरणा पोर्टल पे ही करना होगा, तो ऐसी स्थिति में अगर टेक्निकल एरर की वजह से कोई टीचर अनुपस्थित हो जाता है, उस केस में कैसे डीलिंग होगी, कैसे समाधान होगा समस्याओं का, इस चीज़ के बारे में अभी जो है हम लोग को जानकारी कुछ नहीं है। तो ये तो तभी पता चलेगा ना जब प्रेरणा पोर्टल पर जो हम लोग की उपस्थिति या हर चीज़ लागू हो जाएगी, तब समस्या टेक्निकल एरर होगी तो उसका भी कोई समाधान होगा। दोस्तों फिलहाल यही है मेरी न्यूज़ थी, और ठीक है दोस्तों, ये फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ये खबरें जो होती हैं अलग डिस्ट्रिक्ट की भले ही हो, लेकिन हम लोगों से टीचर से जुड़ी होती हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को हम लोग को मिल जाता है दोस्तों।